हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजी स्टूडियो। माय नेम इज राहुल, आई एम अ टीचर। इस वीडियो में मैं आपको योग साइंस से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दूंगा, जो कि योगा के संबंधित विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, UTPG, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, डिप्लोमा इन योगा साइंस, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, पटना यूनिवर्सिटी, एस वैसा बैंगलोर और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स YCP Level 1, Level 2, Level 3 आदि के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। योगा के संबंधित जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा नेट आदि के लिए और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि के लिए और इसके लिए और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट मंत्र ऑफ सूर्य नमस्कार। नेम द फर्स्ट मंत्र ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का प्रथम मंत्र क्या है? इसका आंसर है ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः इज द फर्स्ट मंत्र ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का जो पहला मंत्र है वो है ओम मित्राय नमः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अभ्यास के कितने सोपान है? इसका आंसर है 12। सो 12 स्टेप्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अभ्यास के 12 सोपान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आसन आर देयर इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? आंसर है इसका 6 आसन आर देयर इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 6 आसन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मयूरासन। मयूरासन के क्या लाभ है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मयूरासन। मयूरासन के क्या लाभ है? आंसर इसका, मयूरासन रिमूव्स डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस, इनफर्टिलिटी, डिस्पेप्सिया एंड टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। मयूरासन मधुमेह, कब्ज, तनाव, बांझपन और शरीर के विषैले पदार्थों को दूर करता है। इट इंप्रूव द डाइजेशन एंड डिस्ट्रॉयज अनहोलसम फूड। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है तथा और जठराग्नि को तीव्र करता है तथा अवांछित भोजन को नष्ट करता है। इट स्ट्रेंथन्स द मसल्स। यह शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। मयूरासन ऑल्सो रिमूव द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ बाइल, फेलम एंड विंड, थ्री डोसास। सो मयूरासन ऑल्सो रिमूव द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ बाइल, फेलम एंड विंड, थ्री दोसास। तो यह शरीर की, यह आसन वात, पित्त और कफ के कफ से उत्पन्न विकारों को दूर करता है। सो द बेनिफिट्स ऑफ मयूरासन। मयूरासन के जो बेनिफिट्स हैं, मयूरासन रिमूव्स डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस, इनफर्टिलिटी, डिस्पेप्सिया एंड टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। तो मयूरासन मधुमेह, कब्ज, तनाव, बांझपन और शरीर के विषैले पदार्थों को दूर करता है। इट इंप्रूव द डाइजेशन, ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है। एंड डिस्ट्रॉयज अनहोलसम फूड, और जठराग्नि को तीव्र करता है तथा अवांछित भोजन को नष्ट करता है। इट स्ट्रेंथन्स द मसल्स, ये मांसपेशियों को मजबूत करता है। मयूरासन ऑल्सो रिमूव द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ बाइल, फेलम एंड विंड, थ्री दोसास। तो यह आसन वात, पित्त और कफ से उत्पन्न विकारों को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हेमियोस्टेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय हेमियोस्टेसिस। हेमियोस्टेसिस जिसे हिंदी में समस्थापन, तो हेमियोस्टेसिस या समस्थासन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय हेमियोस्टेसिस। What do you mean by homeostasis? Homeostasis समस्थापन से आप क्या समझते हैं? आंसर है, homeostasis is the ability or tendency of an organism to maintain a state of equilibrium or stability within its internal environment.
तो समस्थापन जो है, ये समस्थापन या हेमियो स्टेसिस, तो हेमियोस्टेसिस समस्थापन मानव शरीर या किसी तंत्र का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपने आंतरिक पर्यावरण को सम बनाए रखता है। सो हेमियोस्टेसिस इज द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी विद इन इट्स इंटरनल एनवायरमेंट। सो हेमियोस्टेसिस मानव शरीर या किसी तंत्र का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपने आंतरिक पर्यावरण को समान बनाए रखता है। इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंजेज इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट। एग्जाम्पल्स, टू मेंटेन स्टेबल लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फ्लूड बैलेंस, ब्लड पीएच, कैल्शियम आयरन लेवल, फूड ब्लड ग्लूकोज एक्सेट्रा इन द बॉडी और सेल्स। तो इसके एग्जाम्पल है, टू मेंटेन स्टेबल लेवल ऑफ बॉडी, बॉडी का स्टेबल लेवल मेंटेन करना, टेम्परेचर, फ्लूड बैलेंस, ब्लड पीएच, कैल्शियम आयरन लेवल, ब्लड ग्लूकोज एक्सेट्रा, ये बॉडी या सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आसन अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन को डिफाइन कीजिए, आसन की परिभाषा बताइए। इसका आंसर है स्थिर सुखम आसनम। सो स्थिर सुखम आसनम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आसन अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो आसन की परिभाषा है, आसन की जो डेफिनेशन है, वो है स्थिर सुख मासनम, स्थिर सुखम आसनम, ये आसन की परिभाषा है महर्षि पतंजलि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेदांगाज आर देयर, कुल कितने वेदांग हैं। हाउ मैनी वेदांगाज आर देयर, तो कुल यहाँ पे 6 वेदांग हैं। आंसर इसका फर्स्ट है, व्याकरण, सेकंड शिक्षा, थर्ड छंद, फोर्थ निरुक्त, फिफ्थ ज्योतिष, सिक्स कल्प। सो सिक्स वेदांगाज आर देयर, 6 प्रकार के 6 वेदांग होते हैं। सो सिक्स वेदांग्स वेदांग आर देयर, फर्स्ट व्याकरण, सेकंड शिक्षा, थर्ड छंद, फोर्थ निरुक्त, फिफ्थ ज्योतिष और सिक्स कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फोर वेद, वेदा वेद, 4 वेदों के नाम बताइए। आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो 4 जो वेद हैं वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मेन उपनिषद सार, टोटल कितने मेन उपनिषद हैं। आंसर है इसका 108, टोटल नंबर ऑफ मेन उपनिषद आर 108, टोटल नंबर ऑफ जो मेन उपनिषद हैं वो 108 हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पुराणाज आर देयर, मुख्य पुराण कितने हैं। हाउ मैनी पुराणाज आर देयर, कितने प्रकार के पुराण पुराण हैं। आंसर है 18, 18 पुराण आर देयर। फर्स्ट है ब्रह्म पुराण, सेकेंड पद्म पुराण, थर्ड विष्णु पुराण, फोर्थ शिव पुराण, फिफ्थ भगवत पुराण, सिक्स, तो इस ऑर्डर में दे रखे हैं, पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा विष्णु पुराण, तीसरा भगवत पुराण, चौथा अग्नि पुराण, पांचवा वराह पुराण पुराण। सो हाउ मेनी पुराण आर देयर, टोटल 18 पुराण आर देयर, 18 पुराण होते हैं। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा विष्णु पुराण, तीसरा भगवत पुराण, चौथा अग्नि पुराण, पांचवा वराह पुराण, छठा वमन पुराण, सातवां मत्स्य पुराण, आठ ब्रह्म वैवर्त पुराण, नौ मार्कंडेय पुराण, 10 भविष्य पुराण, 11 पद्म पुराण, 12 शिव पुराण, 13 नारद पुराण, चौथा लिंग पुराण, 15वां स्कंद पुराण, 16 कर्म पुराण, 17 गरुण पुराण और 18 ब्रह्मनंद पुराण। सो टोटल 18 पुराण आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सिक्स मेजर पाथ ऑफ योगा। तो नेम द सिक्स मेजर पाथ ऑफ योगा, योगा के जो सिक्स मेजर पाथ है वो बताने हैं। तो सिक्स मेजर पाथ ऑफ योगा आर हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, जनन योग, मंत्र योग। सो सिक्स मेजर पाथ ऑफ योगा आर हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, जनन योग, मंत्र योग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सिक्स दर्शन एंड देयर फाउंडर। छह दर्शन और उनके रचयिता के नाम बताइए। नेम द सिक्स दर्शन एंड देयर फाउंडर। सो आंसर इसका फर्स्ट जो न्याय दर्शन है इसके फाउंडर हैं गौतम। तो न्याय दर्शन के जो फाउंडर यानी रचयिता हैं वो है गौतम। विशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के जो फाउंडर हैं रचयिता हैं वो है कानद। सांख्य दर्शन के रचयिता हैं कपिल। पूर्व मीमांसा के रचयिता हैं लेखक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के वेदव्यास और योग के पतंजलि। तो नेम द सिक्स दर्शन एंड देयर फाउंडर। सिक्स दर्शन एंड देयर फाउंडर आर फर्स्ट न्याय दर्शन गौतम, सेकेंड विशेषिक दर्शन कणाद, थर्ड सांख्य दर्शन कपिल, फोर्थ पूर्व मीमांसा जैमिनी, फिफ्थ उत्तर मीमांसा वेदव्यास, सिक्स योगा पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फाइव यम। जो पांच यम है वो बताने हैं। नेम द फाइव यम, पांच यम बताइए। तो पांच यम जो होते हैं वो है अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फाइव यम्स आर जो फाइव पांच प्रकार के जो यम है वो है अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नेम है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फाइव नियम्स। जो पांच नियम है वो बताने हैं। तो पांच नियम है पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्राणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, तो ये पांच नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ समाधिज आर देयर। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि के प्रकार कौन कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ समाधि आर देयर। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि के कौन कौन से प्रकार हैं। इसका आंसर है थ्री टाइप्स। सो अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि थ्री टाइप्स ऑफ समाधिज आर देयर। महर्षि पतंजलि के अनुसार तीन समाधि के जो तीन प्रकार हैं, पहला है साबिज समाधि, दूसरा निर्विज समाधि, तीसरा धर्म मेघ समाधि। तो साबिज समाधि, निर्विज समाधि और धर्म मेघ समाधि, ये तीन प्रकार होते हैं समाधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गुण इज रिलेटेड टू डिजायर एंड एम्बिशन। तो कौन सा गुण इच्छा एवं वासना से जुड़ा है। विच गुण इज रिलेटेड टू डिजायर एंड एम्बिशन। तो इसका आंसर है रजस गुण। रजस गुण जी रिलेटेड टू डिजायर एंड एम्बिशन। डिजायर और एम्बिशन से जो गुण रिलेट करता है वो है रजस गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गुण जी रिलेटेड टू डलनेस एंड लिथार्जी। तो कौन सा गुण मंदता एवं सुस्ती से जुड़ा है। विच गुण जी रिलेटेड टू डलनेस एंड लिथार्जी। आंसर है तमस गुण। तमस गुण जी रिलेटेड टू डलनेस एंड लिथार्जी। तो जो तमस गुण होता है वो डलनेस और लिथार्जी, मंदता एवं सुस्ती से जो गुण जुड़ा होता है वो है तमस गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गुण इज रिलेटेड टू प्योरिटी एंड प्लेजर। कौन सा गुण पवित्रता एवं आनंद से जुड़ा है। विच गुण इज रिलेटेड टू प्योरिटी एंड प्लेजर। कौन सा गुण पवित्रता एवं आनंद से जुड़ा है। आंसर है सत्व गुण। सत्व गुण इज रिलेटेड टू प्योरिटी एंड प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम के क्या लाभ है। आंसर है इट रिमूव द वात दोष, डलनेस एंड लिथार्जी। तो ये वात दोष को दूर करता है, वात दोष, डलनेस और लिथार्जी को दूर करता है। इट क्रिएट्स वार्मथ, अग्नि इन द बॉडी। तो ये शरीर में ताप उत्पन्न करता है। द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सूर्यभेदी प्राणायाम हेल्प इन रिमूविंग स्टोमक वॉर्म्स एंड लो ब्लड प्रेशर। तो इस जो द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सूर्यभेदी प्राणायाम की जो नियमित अभ्यास है इससे हेल्प करती है, हेल्प मिलती है जो स्टोमक बॉर में पेट के कीड़े हैं और जो लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, कम रक्त दबाव को दूर करता है। इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर इंट्रोवर्टेड पीपल हु फेस डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज एंड आर डिप्रेस्ड। तो इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर इंट्रोवर्टेड पीपल। इंट्रोवर्टेड पीपल के लोगों के लिए भी है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हु फेस डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, जो अपने डिफिकल्टी फेस करते हैं अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने में, एंड आर डिप्रेस्ड और बहुत दुखी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फोर सहभुव अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि।
So what are the four sahabub according to Maharshi Patanjali? Maharshi Patanjali ke so four sahabub according to Maharshi Patanjali are dukh, taurmanasya, anjam jayatva aur swas praswas. So the four sahabub are, जो चार प्रकार के सहभूव हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार, वो हैं पहला है दुख, दूसरा दौर्मनस्य, तीसरा अंजम जेतवा, चौथा है श्वास प्रश्वास. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ संयम. संयम के तीन अंग कौन कौन से हैं? नेम द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ संयम. संयम के तीन अंग बताइए. इसका आंसर है धर्म, ध्यान एंड समाधि. जो धर्म, जो धारण, ध्यान और समाधि है, ये संयम के तीन अंग है. तो संयम के जो तीन अंग है वो है धारण, ध्यान और समाधि. धारण, ध्यान एंड समाधि आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ संयम. संयम के जो तीन अंग है, तो संयम के जो तीन अंग है वो है धारण, ध्यान और समाधि. तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है योग साइंस से रिलेटेड 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयूटी, पीजी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, एसवैसा बैंगलोर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस एग्जाम, जो कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि लेवल पे होते हैं, और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री आदि के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है. और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब इसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे. वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.